আগরতলা আসাম রাইফেলস সদর বেদিকনি 21 সেক্টর নি সক্তর্মা বাই কাইসা থুই রিমা পান্ডা সংসাখা সংগ্রম শালো পান্ডা সংসানাই এঙ্গই থাঙ্গই মাঞ্জারেখা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ককতমা থুমনাই রোপনে বেসকাং ফাই ককনারক থানি শাখা থুই রিখাই বুনুসিমি চুবানা গলাইয়া আবো কারিব শাহ কাহাম অঙ্গু বখানো খবই কাইসা কৈশু অর্গেনস নিব কাহাম অঙ্গু মন্ত্রী তৈব শাখা থুই রিমানি সকাং শাক নাই নাই কিসার টেস্ট বুক লাই না হারো আপনি লগি লগি আসাম রাইফেলস জওয়ান রত্ন থুই রিমা পান্ডাও আগগৈ ফাইমানি বাগৈ বেলাইনো খা কাহাম মিয়া ফারকা আর হসপিটাল সে আমারে হাসপাতাল মে বা হর জায়গা পে জো ব্লাড হামে চাহিয়ে কভি ভি वो मौजूद नहीं रहता। हम सब मिलके ये डिसीशन लिया है कि हम सबको गुजारिश करेंगे कि आप लोग आए सब ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि सोसाइटी को हम बचा सके। और स्वामी विवेकानंद ने जो बताया था हमें, हम लोगों को सोसाइटी को सुंदर बनाने के लिए सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। हम यहां पे किसी ने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन स्वामी जी का ये मानना था, विवेकानंद जी का, कि लोगों के अंदर ही भगवान बसता है, भगवान रहते हैं। अगर हम लोगों की पूजा करते हैं, कुछ भलाई के लिए करते हैं, उसका मतलब ये है कि आप भगवान को खुश कर रहे हैं। तो लोगों को अगर हम मदद कर सके ब्लड डोनेशन के द्वारा, तो सबसे बढ़िया काम यही रहेगा भगवान को पाने के लिए। हम लोग पॉलिटिक्स में है, सोशल सर्विस में है, बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कांचनपुर से फोन आता है, साबरूम से फोन आता है, धर्मनगर से फोन आता है, रात को 11 बजे कोई समय नहीं रहता कि भाई साहब मेरा माता मेरा पिता मेरा रिश्तेदार मेरा दोस्त जीबी में है, आईजीएम में है, आईएलएस में है, ऑपरेशन होना है, खून की जरूरत है, एक यूनिट ब्लड चाहिए, दो यूनिट ब्लड चाहिए, ऑपरेशन रुका हुआ है, हम उसका अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोग समझ सकते हैं, एक आदमी कंजनपुर से आता है, शाबरूम से आता है, अगरतला में जान पहचान नहीं है, खून कौन देगा उसको, ब्लड बैंक में भी नहीं है। तो तभी हमें ऐसा लगता है कि ये खून देके अगर हम उसको मदद कर सकते हैं तो एक फीलिंग होता है कि अच्छा किया, कुछ एक आदमी को हम बचा पाए। एक ऑपरेशन हो नहीं रहा है, हो नहीं, ये डॉक्टर बोलते हैं कि आप खून लेके आओ, खून के लिए कमी के लिए ऑपरेशन हो नहीं रहा है, अगर हम करा सकते हैं अच्छा लगता है कि सोसाइटी के लिए हमने कुछ किया। हमारे देश में, हमारे स्टेट में खून का जो जरूरत है उससे कहीं कम सप्लाई है, जो हर टाइम चाहिए। त्रिपुरा में भी हम कल भी पेपर में आए कि खून की कमियां है, इसलिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी, हम लोग सब मिलकर हर जगह पे अगर 10 यूनिट का ब्लड कलेक्शन होता है, हम लोग जाते हैं ब्लड बैंक को। ये बोला गया है कि जहां पे भी ब्लड डोनेशन कैंप हो, जो भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप जाओ, हौसला बढ़ाओ, लोगों को मोटिवेट करो ब्लड डोनेशन के लिए। तो आज ये असम राइफल यहाँ पे मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का जो आप लोगों ने आयोजन किया, मैं आपको सबको, हर एक जवानों को, मैंने देखा यहाँ पे बीएसएफ के जवान भी हैं, यहाँ पे असम राइफल के फैमिलीज भी हैं, हमारे असम राइफल के जवान हैं, सिविलियंस भी कुछ हैं, तो सब मिलके आपने सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए जो जिम्मा ठाला है लिया है, और पहले दिनों आपका रोल जो रहा है त्रिपुरा की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, शांति के लिए, मैं आप लोगों का सबसे वो अभिनंदन करता हूँ, हमारे सरकार की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, और मैं आपकी तरफ से। हमारे देश में, हमारे स्टेट में, खास करके गांवों में लोगों में एक भय है ब्लड डोनेशन को लेकर,
कि मेरा अगर ब्लड दूं, मेरा अगर कुछ खराब हो जाए। मैंने अपने बेटे को खिला के पिला के इतना बड़ा किया, तंदुरुस्त बनाया, वो क्यों ब्लड देगा अगर उसका कुछ खराबी हो इसमें? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। ये पे डॉक्टर साहब भी है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल से आए हैं, इन लोगों को पता होता है कि हर एक व्यक्ति 18 साल से 60 साल तक जिनका ब्लड प्रेशर नहीं है, जिनका ब्लड शुगर नहीं है, ये लोग ब्लड दे सकते हैं 3 महीने के अंतर। 3 महीने के बाद हर एक व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या कोई बीमारी नहीं हो, वो ब्लड डोनेट कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू, हम जो ब्लड देते हैं ये ऐसा नहीं कि यहां पे मान लीजिए 100 यूनिट का ब्लड हुआ कलेक्शन, ये ब्लड 100 आदमी को दे दिया जाए, ये ब्लड लेके ब्लड बैंक में जाएंगे, लैब में जाकर उसका प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग में बहुत कुछ निकल के आएगा, किसके ब्लड में आरबीसी ज्यादा है रेड ब्लड सेल, किसके ब्लड में डब्ल्यूबीसी ज्यादा है व्हाइट ब्लड सेल, ये देख के, या ब्लड में किसी इंफेक्शन है। तो अगर कुछ ऐसा मिलता है, मान लीजिए 100 आदमी का ब्लड यहां पे लिया गया, या 10-15 यूनिट 20 यूनिट, वो ये किसी काम पे नहीं आएगा, 80 यूनिट ब्लड ही वो काम पे आएगा।